भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड इस धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस हिंदी अनुवाद को आप तक जो हम पहुंचा रहे हैं, इसका अनुवाद किया है भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने। आइए इस कड़ी में प्रवेश करते हैं। पिछली कड़ी की बात को जोड़ते हुए हमने देखा कि पिछली कड़ी में रठपाल, ये एक युवा जो तथागत के पास आया, लेकिन बहुत सारे लोग भी थे उसके साथ। लेकिन उस बात को सुनने के बाद जब उनकी बात कुरु जनपद में चल रही थी, धम्मोपदेश सुनने पर रठपाल ये तथागत के वाणी से, उनके धम्मोपदेश से बड़ा प्रभावित हुआ और वो उसके साथ के सारे लोग तो लौट गए, लेकिन रठपाल तथागत के पास आया, तथागत से उपसंपदा देने की प्रवज्जा ग्रहण करने की इच्छा जाहिर की। और तथागत ने उससे कहा कि भाई इसके लिए आपको अपने माता पिता से अनुज्ञा लेकर आना होगा, अनुमति अगर होगी आपके माता पिता की तो फिर आप प्रवज्जित हो सकते हो और भिक्षु संघ में आपको दीक्षित किया जा सकता है। रठपाल जब अपने माता पिता के पास गया तो माता पिता ने उसके कहा कि भाई तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, इतने लाड़ प्यार में बढ़े हो, संपन्न जीवन सुखी जीवन के साथ जुड़े रहे हो, तुम वहाँ सन्यासी के जीवन में कैसे रहोगे? और उन्होंने कोई अनुज्ञा तो दी नहीं। अब रठपाल इस अनुज्ञा को प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता से फिर बार बार आग्रह कर रहा है। और बस यहीं पर हमने आपको छोड़ा था, आइए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं बाबा साहेब कि जब रठपाल अपने माता पिता की अनुज्ञा प्राप्त करने में असफल रहा तो वह युवक जमीन पर लेट गया और बोला, या तो मैं भिक्षु बनूंगा या यहीं पर पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। अब देखिए बच्चे ने जिद पकड़ ली, रठपाल जमीन पर लेट गए और अपने माता पिता से ये कहने लगे कि या तो मैं भिक्षु बनूंगा या तो फिर यहीं इसी जमीन पर यहीं पड़े पड़े मर जाऊंगा। अब उसके माता पिता ने भिक्षु बनने के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए उससे उठ बैठने का बहुत आग्रह किया, बहुत मनाया उसे, लेकिन रठपाल मुंह से एक शब्द नहीं बोला। रठपाल ने मौन धारण कर लिया, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, जमीन पर लेट गया। और उन्होंने दूसरी बार और तीसरी बार भी इस प्रकार का आग्रह किया, तब भी रठपाल बिल्कुल चुप ही रहा। रठपाल पक्का दृढ़ संकल्प कर चुका था और उठने को बिल्कुल राजी नहीं था। तो उसके माता पिता ने रठपाल के मित्रों को सारी बात बताकर उनसे कहा कि वे अपनी ओर से रठपाल से आग्रह करें जैसे सभी माता पिता करते हैं। तो उन्होंने रठपाल के मित्रों से संपर्क किया, उनको बुलाया, उनसे कहा कि भाई इस रठपाल को समझाइए, ये भिक्षु ही बनना चाहता है और जमीन पर लेट गया, कोई बातचीत नहीं करता, क्या क्या करें क्या इसका। तो उसके मित्रों ने भी बहुत प्रयास किया लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोला। तब उसके मित्र रठपाल के माता पिता के पास गए और कहे कि वो जमीन पर पड़ा है, कहता है या तो भिक्षु बनूंगा या वहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा, यदि आप अनुज्ञा नहीं दोगे तो वो जीते जी कभी नहीं उठेगा। रठपाल के मित्रों ने ये समझ लिया कि रठपाल कितना जिद्दी है, क्योंकि वो जानते रहे होंगे उसे कि ये जिद्दी है, ये नहीं उठेगा। तो वो माता पिता के पास गए उसके रठपाल के, उससे कहा कि देखो ये या तो आप उसे अनुज्ञा दे दो, अनुमति दे दो कि वो भिक्षु बन जाए, नहीं तो फिर वो वहीं पर पड़े पड़े मर जाएगा। फिर मित्रों ने उनसे एक बात ये भी कही कि तुम अनुज्ञा दे दोगे तो उसे भिक्षु बनने पर भी देख सकोगे। भाई ये तो एक सुविधा है तुम्हारे पास कि वो भिक्षु बन जाएगा तब भी तुम तो उसे देख सकोगे। यदि भिक्षु जीवन में उसका मन नहीं रहेगा
तो बिल्कुल वो भिक्षु रहना अच्छा नहीं लगेगा, तो यहीं वापस चले आने के अतिरिक्त उसके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं होगा, तो फिर वो क्या करेगा? तो आप उसे अनुज्ञा दे ही दीजिए। और इस तरह जो रठपाल के मित्र रठपाल को समझाने आए थे कि भिक्षु ना बने, वे मित्र उनके माता पिता को समझाने लगे कि देखिए भाई, ये तो जिद्दी है, ये नहीं उठेगा, आप ही इसे अनुमति दे दें, कम से कम इसे जिंदा तो देख सकोगे, भिक्षु के रूप में देखोगे लेकिन जिंदा तो देख सकोगे। तो फिर माता पिता ने कहा कि अच्छा, हम अपनी अनुज्ञा देते हैं, किंतु भिक्षु बन चुकने के बाद उसे हमें मिलने के लिए आना होगा। अब ये एक शर्त रही कि भाई हम अनुज्ञा तो देते हैं कि वो भिक्षु बने, लेकिन भिक्षु बनने के बाद भी वो हमसे मिलने जरूर आए। तो उसके मित्र तुरंत रठपाल के पास गए और उन्होंने उसे जाकर कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इस शर्त पर भिक्षु बनने की अनुमति दी है कि भिक्षु बनने पर तुम उनसे मिलने आओगे। तब रठपाल उठ बैठा और सशक्त होने पर तथागत के पास पहुंचा और अभिवादन कर चुकने पर एक और बैठकर निवेदन किया तथागत से, और तथागत से उन्हें कहा, मुझे अपने माता पिता से भिक्षु बनने की अनुज्ञा तो मिल गई है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि भगवान मुझे दीक्षित कर लें, संग में दीक्षित कर लें। रठपाल ने प्रव्रज्ञा और उपसंपदा प्राप्त की। थुल्ल कोठित में एथेच ठहर कर इसके 2 सप्ताह बाद भगवान बुद्ध चारिका के लिए श्रावस्ती की ओर चल पड़े और श्रावस्ती पहुंचकर वे अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विहार करने लगे। अब तथागत ने उन्हें दीक्षा दे दी, वे जेतवन की ओर चले गए और अकेले एकांत में रहते हुए सतत प्रयत्नशील रठपाल ने बहुत थोड़े समय में उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जिसकी प्राप्ति के लिए कुलपुत्र घर से बेघर होकर भिक्षु जीवन ग्रहण करते हैं। मानव जीवन का श्रेष्ठतम आदर्श जिसे हम निबाण कहते हैं। रठपाल ने बड़ी कड़ी मेहनत की, एकांत में रहकर उसने अपनी सारी आसक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली, आसक्तियों से मुक्त हो गए और सारे बंधनों से मुक्त होकर उन्होंने वो जो मुक्ति का आनंद पा लिया। तब वो भगवान बुद्ध के पास गए, तथागत जेतवनाराम में थे, तो भगवान बुद्ध के पास गया और अभिवादन कर चुकने के बाद फिर वो कहा कि भगवान, आपकी अनुज्ञा से मैं अपने माता पिता को देख कर आना चाहता हूं। रठपाल ने उस बात को जरूर ध्यान में रखा कि उसके माता पिता ने उससे कहा था कि भाई, तुझे भिक्षु बनने की अनुमति तो है, लेकिन तुझे भिक्षु बनने के बाद भी हमसे मिलने आना होगा। तो अपने चित्त से रठपाल के चित्त को जानकर तथागत ने रठपाल के पुनः गृहस्थ न बनने के बारे में पूरी तरह आश्वस्त होकर उसे जब चाहे अपने माता पिता से मिलने जाने की अनुमति दे दी। ये देखिए, विनय में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये एक व्यवस्था बन गई है कि कोई घर से बेघर होने के बाद जब भिक्षु बन जाता है, लेकिन भिक्षु बनने के बाद भी उसमें गृहस्थ जीवन की ओर लौटने की कोई संभावना नहीं होती, ऐसे बहुत सारे भिक्षु हैं। तो तथागत ने ये व्यवस्था बना दी। देखिए, तथागत के धम्म में किसी तरह की कोई जिद नहीं है, कोई जड़वादिता नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि ऐसा ही करना होगा। तथागत ने कहा कि जाओ अपने माता पिता से मिलो। उन्होंने रठपाल की स्थिति को जान लिया था, उसके चित्त की दशा को पहचान लिया था, और तथागत ने कहा कि जाओ। उन्हें समझ में आया कि ये गृहस्थ जीवन की ओर नहीं लौटेगा। उन्होंने कहा, जाओ अपने माता पिता से मिलो। आज भी कई भिक्षु अपने पूर्व जीवन के अपने माता पिता जो है उनसे मिलने जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, फिर लौट आते हैं। तो इस स्थिति से विनय में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंततः घर से बेघर हो जाना ये स्थिति कोई संसार को छोड़ जाने वाली स्थिति नहीं है, और इसलिए बुद्धिज्म हमेशा प्रासंगिक हो जाता है और बुद्ध का धम्म बिल्कुल प्रासंगिक बना रहता है, उसका रेलेवेंस हमेशा है।
तो ये बुद्ध धम्म की और बौद्ध जीवन शैली की एक विशेषता है, एक खासियत है। अब देखिए कि जब रट्ठपाल को यह अनुमति मिली तब अत्यंत विनम्रतापूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण कर अपना पात्र चिवर लेकर रट्ठपाल थुलकोठित की ओर चारिका के लिए निकल पड़ा, जहां पहुंचकर उसने कुरु नरेश के मृगोद्यान में विहार किया। जो मृगोद्यान था कुरु नरेश का, वहां पर उन्होंने विहार किया और दूसरे दिन सुबह वह भिक्षाटन के लिए बाहर निकले तो प्रत्येक घर के सामने भिक्षा के निमित्त खड़ा होता हुआ रट्ठपाल अपने ही घर के द्वार पर आ पहुंचा। ये भिक्षाटन की एक विशेष व्यवस्था तथागत ने बनाई थी कि जब भिक्षाटन के लिए कोई भिक्षु जाते हैं तो वो जिस द्वार पर जाते हैं उसके विरुद्ध द्वार पर, मतलब इस द्वार पर भिक्षा न मिले तो दूसरे द्वार पर जाकर खड़े हो जाते हैं, और फिर उस द्वार के फिर अपोजिट, फिर विरुद्ध द्वार पर सामने की ओर फिर वहां पर जाते हैं। और ऐसा करते करते वे अपने ही घर के द्वार पर जा पहुंचे रट्ठपाल। अब देखिए प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है कि दूसरे दिन प्रातःकाल जब वो भिक्षाटन के लिए निकला तो रट्ठपाल भिक्षा के निमित्त खड़ा होते हुए वह अपने ही घर के द्वार पर आ पहुंचा। अंदर कमरे के बीच दरवाजे में उसके पिता कंघी से अपने बाल संवार रहे थे। उसके पिता घर पर थे, कंघी से अपने बाल संवार रहे थे तो रट्ठपाल को दूर से आता देखकर बोला, ऐसे ही सिरमुंडों ने मेरे इकलौते प्रिय पुत्र को घर से बेघर बना दिया। वो नहीं पहचान पाए थे कि रट्ठपाल ही उनके सामने से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही वो सिरमुंडे हैं जिन सिरमुंडों ने, भिक्षुओं के लिए इस तरह का शब्द भी कुछ लोग इस्तेमाल करते थे, तो इन्होंने ही मेरे इकलौते पुत्र को मुझसे छीन लिया। उनके मन में बड़ा क्रोध था इनके प्रति, तो इसलिए अपने ही पिता के घर से रट्ठपाल को कुछ नहीं मिला, एक इनकार तक नहीं, मिली तो मात्र गालियां। और ठीक उसी समय घर की एक दासी पहले दिन का बासी चावल फेंकने जा रही थी। रट्ठपाल ने उसे कहा, बहन यदि इसे फेंकने जा रही हो तो इसे मेरे पात्र में ही डाल दो। दासी को तो इन्होंने पहचान लिया था और दासी को कहा, बहन अगर इसे फेंकने ही जा रही हो, क्योंकि वो पहले दिन का जो बासी चावल था उसे वो फेंकने जा रही थी, तो उसने कहा, बहन अगर इसे फेंकने ही जा रही हो तो मेरे पात्र में डाल दो। जब दासी उसके पात्र में बासी चावल डाल रही थी तो उसने रट्ठपाल के हाथ पांव और स्वर को पहचान लिया। दासी ने उसकी आवाज को पहचान ली, उसके हाथ पांव की जो स्थिति थी उसको पहचान ली और वह दौड़ी दौड़ी अपनी मालकिन के पास गई और बोली, मालकिन मालूम होता है कि छोटे मालिक वापस लौट आए हैं। वो घर पहुंची, रट्ठपाल की मां को बताई तो मां बोली, यदि तेरा कहना ठीक है तो तू दासता के बंधन से इसे क्षण मुक्त हो जाएगी। उसे लगा कि भाई इतना इतना बेहतर समाचार ये लेकर आई। उसने कहा कि तू दासता के बंधन से अभी मुक्त हो जाएगी। वह दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई और कहा कि उसने सुना है कि उसका पुत्र लौट आया है। झाड़ी के नीचे बैठा रट्ठपाल वो बासी चावल खा रहा था और कि पिता आ पहुंचा और बोला, प्रिय पुत्र क्या यह हो सकता है कि तुम ही बैठे ये बासी भात खा रहे हो? क्या यह हो सकता है कि तुम मेरे पुत्र और ये बासी भात बासी चावल खा रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम्हें अपने घर नहीं आना चाहिए था? तो रट्ठपाल ने बड़ा महत्वपूर्ण उत्तर दिया। देखिएगा वह अभी घर से बेघर है, रट्ठपाल भिक्षु बन गए हैं। रट्ठपाल कहते हैं, हे गृहपति हम बेघरों का क्या घर, हे गृहपति हम बेघरों का क्या घर, हम तो घर छोड़ चुके हैं। हां मैं तुम्हारे घर पर आया था जरूर जहां मुझे कुछ नहीं मिला, इनकार भी नहीं मिला, मात्र गालियां मिली। तो रट्ठपाल के पिता ने कहा, नहीं पुत्र आओ घर चलें। रट्ठपाल ने कहा, नहीं गृहपति मेरा आज का भोजन समाप्त हो गया, बस मुझे आज का भोजन चाहिए था जो मुझे मिल गया। इसके बाद
फिर लठपाल के पिता फिर उसी बात पर आ गए कि लठपाल उनका पुत्र, इकलौता पुत्र घर से बेघर हो गया और इस तरह घर से ही फेंकने के लिए निकाला हुआ जो बासी चावल था वो खाकर एक झाड़ के नीचे बैठा हुआ ये कह रहा है कि अब वो घर पर नहीं आएगा। गृहपति, मैं तो घर से बेघर हो गया। इस बात को सुनकर रठपाल ने जो कुछ कहा उस बात से आपको जोड़ेंगे अगली कड़ी में। यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी, तब इसी बात से आगे बढ़ेंगे। यहाँ रुकते हैं, इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।